जरूर 35 से 40 बन जाएगी, तो एक फाइटिंग स्कोर हमें देखने को मिल जाएगा। अगला जवाब अगली शॉट आम पुल फटका अपने पहाय भेटला, पुल पॉवरफुल ठरला और सहा धावा तानाजी अपन पहते मैदान आत मे बैटिंग करता सद्या दाखवत अपना दमखम। ओवर द विकेट ने पुणे तानाजी सा बैकबुटला गेले, पुण्याचा चेंडूला फिरकावण्याचा प्रयत्न, गॅप मध्ये बॉल आहे, क्षेत्ररक्षक पाटला करतोय, चेंडू सीमा पार येतोय, आणखीन एक दमदार चौकार। जर सर ज्याप्रमाणे आपण मैदानाच्या आत मध्ये सामना पाहतात ना, तानाजीची बॅट मैदानाच्या आत मध्ये आज बोलू लागले। तानाजी सध्या मैदानाच्या आत मध्ये फायर। ओवर द विकेट ने पुढील बॉल फुल टॉस बॉल समोरच्या दिशेने कनेक्ट करण्याचा प्रयत्न, क्षेत्ररक्षक येतात लॉन्ग ऑफ मध्ये, त्यांना मात्र पिट करत चेंडू पुन्हा त्यांनी निघून जाईल, आणखीन एक दमदार चौकार चार रन। तानाजी का बल्ला शाम के समय बोलता हुआ, एक लाजवाब बल्लेबाजी का नजारा पेश होता हुआ। बात की जाए तो 3 गेंदों में अभी तक 14 रन खर्च गए हैं। ऑस्टम पर गेंद दी, गेंद को बैक टू कवर के रक्षा कवर, लॉन्ग ऑन पर गेंद हवा में, खिलाड़ी गया उसको रोकने में नाकाम, गेंद सीमा रेखा के बाहर, लाजवाब सिक्स था, कम ऑन डीजे। सध्या तानाजी ज्याप्रमाणे आपण जाहीर सर म्हणत होते की 35 से 40 धावेपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करायला हवा, पहिल्या षटकामध्ये तब्बल 22 धावा आणि दिवेच्या विरुद्ध आपण पाहतात तानाजीची बॅट मैदानाच्या आतमध्ये बोलू लागलाय, कारण की 2 षटकार आणि 2 चौकार देखील आल्यात। शेवटचा बॉल दिवेश राईट आर्म ओवर द विकेटने, आकृदाबाचा बॉल शॉर्ट आर्म पुल करण्याचा प्रयत्न, फाईन मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे, आता कुठलीही चुकी करत नाहीत, इथे मात्र तानाजीला तंबूच्या आसऱ्याला परतावा लागेल। पहिल्या विकेटचं पतन, पहिला धक्का लागतोय सारंग वॉरियर्स संघाला तानाजीच्या स्वरूपानं। जर सर काय सांगाल, पहिल्याच ओव्हर मध्ये तब्बल 22 धावा कुठल्या गेल्यात, महागडे षटक दिवेच सही का सर जी, यहाँ पर थोड़े से महंगे साबित होते और तानाजी के बल्ले से बेहतरीन 20 रन हमें देखने को मिले, एक 2 सिक्सर और 2 चौके, लाजवाब बल्लेबाजी का नजारा पेश करते हुए तानाजी इस मैदान पर। मगर आप नए बल्लेबाज इस मैदान पर जुनेद किटू मैदानाच्या आत मध्ये, गोलंदाजी मार्क्स वरती आलाय, जबाबदारी दिली गेले किटू वरती, न्यू बॅट्समन मैदानाच्या आत मध्ये मिस्टर जुनेद, पहिला बॉल जुनेद फेस करत असताना लॉंग ऑफ मध्ये उडवला क्षेत्ररक्षक, अगदी त्याच्या हातामधून हा झेल अगदी निसटला जातोय। जैन सर अशा कॅचेस तुम्हाला क्रिकेटमध्ये घेणं खूप गरजेचं आहे, कारण की कॅचेस विन द मॅचेस, पकडो कॅच और जितो मॅच हे समीकरण वापरलं जात नाही। सही का धनंजय, यहाँ पर कैच विन द मैचेस हैं, और कौन से खिलाड़ी का आपने क्या छोड़ा जिन्होंने पहली मैच में क्या बल्लेबाजी का नजारा पेश किया था। यहाँ पर प्रकाश की अगली गेंद आती हुई, बेहतरीन ने ब्रॉकर में से खोद के निकाला गेंद, जमीनी शेखर थे ऑन साइड मिड विकेट पर जाती हुई, जब तक खिलाड़ी उस गेंद को क्लिक कर पाते, 1 रन निकालने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास, 1 रन के साथ रन संख्या 24 एक विकेट के नुकसान पर। बात की जाए तो सारंग वॉरियर्स की जमीन वालू या संघर्ष मुफात हुई, क्या मुकाबला चलता हुआ जुनेद की अगली गेंद इस मैदान पर देखने को मिल जाएगी। 24 धावा जुनेद पुण्याचा सज्ज होईल स्ट्राइक एंड एंड वरती, ओहो स्विंग होतोय, बॉल पडल्यानंतर थोडासा बाहेर निघतोय, ही खासियत आहे किटूची सध्या मैदानाच्या आतमध्ये जहीर सर तो दाखवत असताना पाहायला भेटतोय, चांगला बॉल। सही है, बड़े बल्लेबाजों को नशाना इस मैदान पर, लेफ्ट हाथ के गेंदबाज विकेट देखने को मिलते हुए, अगली गेंद जुनेद खेलने के तैयार होते हुए, बेहतरीन शॉट आउट साइड मिड विकेट पर, गेंद बाय बाय डाडा, इनका ही कैच आपने छोड़ा था, गेंद सीमा रेखा के बाहर, कम ऑन डीजे। जुनेची बॅट देखील बोलू लागलाय, जुनेच्या बॅट मधून दमदार षटकार आपण पाहिलाय, धावसंख्या धावपळकावरती वाढली जात आहे, 30 धावा। ओ स्विंग अँड मिस, जर सर आपण पाहू शकत बॉल पडल्यानंतर हलकासा पुन्हा एकदा बाहेर निघतोय, अँगल क्रिएट करण्याचा प्रयत्न इथे आपण पाहिलं तर गोलंदाज किटूच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला भेटला। सही का धनंजय, इस मैदान पर अच्छी गेंदबाजी लेफ्टी गेंदबाजों के द्वारा,
जुनेद की लकड़ी के इस मैदान पर देखने को मिल जाएगी। शॉर्ट गेंद पुल कर दिया इसको अलग पर, अगेन हवा में खिलाड़ी वहां पर तैनात है मगर खिलाड़ी बन जाएंगे दर्शक, दर्शक बन गए दीवाने। देखना अंपायर का निर्णय का इंतजार है, वन बॉल गेंद बोलने के बाद चार रनों के लिए फरार। देखिए ऐक लेना मागच्या चेंडू होती ती फिल्डिंग, मैं निकला मैदान के बाहर फिर से आया मैदान में, म्हणजे चेंडूचं तुम्हाला ज्याप्रमाणे झेल होती ना ती झेल घेण्याचा प्रयत्न करायला हवा। क्षेत्ररक्षक आधी सीमारेषे पार गेले त्यानंतर पुन्हा एकदा मध्ये आले मात्र त्यांना सगळं चेंडू सीमारेषा पार गेलाय, काय सांगाल? दोन षटक संपला, धावसंख्या धावपळकावरती 34। सही का अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पर सरंग वॉरियर्स वायु टीम की देखने को मिलती है। आखिरी गेंद इस मैदान, आखिरी ओवर इस मैदान पर देखने को मिल जाएगी मगर ये छह गेंद प्रकाश और जुनेद के अपनी टीम के लिए और रन संख्या बनाने में कामयाब हो पाएंगे या विकेट लेने में सफलता हासिल। गेंदबाजी का नजारा पेश किया जाएगा गेंदबाज स्वप्निल द्वारा। आखिरी ओवर इस इनिंग की देखने को मिल जाएगी मगर यहाँ पर प्रकाश की अगली गेंद आती हुई राइट हैंड से गेंदबाजी करने तैयार। लेग स्टंप के बहुत ही बाहर गेंद आउट स्टंप पर आए थे प्रकाश मगर गेंदबाज ने टप्पा गेंद लेग स्टंप के करीब फेंका था, लेग स्टंप के बाहर लेके जाती हुई गेंद व्हाइट का इशारा अंपायर की तरफ से आता हुआ। एक्स्ट्रा रन के साथ रन संख्या 35 रनों पर जाती हुई। पांच छह गेंदों का खेल बाकी है धनंजय पाटिल, अगर ये छह गेंदों पर 10 या 12 रन भी बन जाए तो एक फाइटिंग स्कोर इस मैदान पर देखने को मिल जाएगा। अगली बरोबर पुनर्दा गोलंदाज जो हुई ओहो काय बॉल आहे, ब्रह्मास्त्र खोलभर टप्प्याचा चेंडू हाताळण्याचा अगदी प्रयत्न तो करत असताना पाहायला भेटत। ऑफिशियली दोन अंपायर मैदानाच्या आतमध्ये, एका बाजूला आकाश मांगेला दुसऱ्या बाजूला दिनेश मांगेला सरांना आपण पाहत आहोत। हे दोन पंच सध्या मैदानाच्या आतमध्ये आहेत, आमची संपूर्ण टीम डीबीएनची सध्या मुख्य आपण पाहत आहोत। या मॅचचा जे सर्व प्रक्षेपण आहे ते पोहोचवण्याचं काम त्यांच्या माध्यमातून होत असताना पाहायला भेटेल। गोलंदाज सज्ज होईल उडवण्याचा प्रयत्न आहे, क्रॉस द बॅटने खेळलाय, बॉल गॅप मध्ये आहे, क्षेत्ररक्षक पाठला करतात, क्षेत्ररक्षकाला अगदी बीट करत बॉल सीमारेषा पार येतोय, आणखीन एक दर्जेदार चौकार। चार अगदी संपलाय धावसंख्या धावपळकावरती 39 धावा आपल्याला पाहायला भेटतात। सध्या मैदानाच्या आतमध्ये प्रकाश रकाची बॅट मैदानाच्या आतमध्ये बोलतोय मात्र पंच आपण पाहताय दिनेश मांगेला सरांचा इशारा आमच्यापर्यंत पोहोचतोय। व्हाइट बॉलचा सिग्नल संध्याकाळच्या सत्रामध्ये काउंट करत असताना धावसंख्या धावपळकावरती 40 रन। नारंगी ग्रामस्थ क्रीडा मंडळ नारंगी आयोजित आपण पाहतात संपूर्ण पाटील परिवारातर्फे पुरस्कृत केलेली स्पर्धा आज खऱ्या अर्थानं या मैदानावरती आपण पाहतायत। दिवस क्रमांक 3 या स्पर्धेचा आजचा बॅकफुटला जाऊन स्लॅश करण्याचा प्रयत्न अगदी तिथे आपण पाहत आहात प्रकाश मात्र तंबूच्या आसऱ्याला परततोय। सारंग वॉरियर्सला लागतोय हा दुसरा झटका, विकेटचं पतन, खेळाडू बाद गॉन। प्रताप ने बल्लेबाज मैदान पर आते हुए प्रकाश की खेली समाप्त होती भी पूरा काम किया धनंजय पाटिल, अभी भी ये तीन गेंदों का खेल आना बाकी रहेगा और इसके बाद हमारे मित्र बांदा से रविकांत आखोते का हाल सुनाने के लिए माइक्रोफोन पर जरूर रहेंगे, धनंजय के साथ जुड़ जाएंगे, एक हिंदी की बेहतरीन आवाज हमें देखने को मिल जाएगी मगर तीन गेंदों का खेल बाकी है। धनंजय क्या इस मैदान पर तीन गेंदों पर प्रताप के बैट से हमें सिक्सर या चौका देखने को मिल जाएगा? जुनेद लॉन्ग स्ट्राइक पर है, चाहते हैं कि स्ट्राइक ज्यादा से ज्यादा मिले मगर प्रताप ये बल्लेबाज गेंदबाज कर देंगे। चला थोड़ा सा उशीर करू ना काशी तुम्हारा विनंती करते, थोड़ी सी घाई करा, दोनों संघाला हार्दिक शुभेच्छा, दोनों टीमों को हार्दिक बधाई। हमारे तमाम कमेटी मेंबर, तमाम दर्शक, हमारे मेहमानों के जाने से लाजवाब मुकाबला चलता हुआ आज के दिन का आखिरी मुकाबला और कल के दिन चौथा दिन इस टूर्नामेंट का 9 बजे से मैच की शुरुआत हम देखने जाएंगे। प्रताप के लिए अगली गेंद बेहतरीन गेंद थी, ऑन साइड खेलना चाहते थे, बैट पर गेंद बराबर आई नहीं, बैट का हिट लेकर गेंद गली रीजन पर जाती विकेट कीपर उस गेंद को क्लिक कर पाते, एक रन निकालने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास, एक रन के साथ रन संख्या जा पहुंचती हुई 41 रनों पर। दो गेंदों का खेलाना बाकी है, धनंजय पाटिल क्या कहेंगे? ये दो गेंदों पर जुनेद स्ट्राइक पर है, एक बड़ा शॉट आएगा तो मैच की क्या इस मैदान पर देखने को मिल जाएगी। अगदी एका मोठ्या फटक्याची अपेक्षा है मात्र दुसऱ्या बाजूने जर विचार केला जरी डबल डबल धावा येतात ना 45 धावा पोहोचण्याचा प्रयत्न केला ना तरी ती संध्याकाळच्या सत्रामध्ये एक चांगली धावसंख्या आहे।
लेग स्टंपच्या थोडासा बाहेर चेंडू निघतोय, पंच दर्शवत असताना एक्सरसाइज करतात पुन्हा एकदा. दिनेश जी मांगेल सर आमच्यापर्यंत इशारा पोहोचवत आहेत. व्हाइट बॉलचा सिग्नल आपल्याला पाहायला भेटतोय आणि धावसंख्या धावपलकावरती लगावली जात असताना सध्या आपण पाहत आहेत 42-42 रन. चार बॉलचा खेळ संपन्न, धावसंख्या धावपलकावरती 42 धावा. उर्वरित अजूनही दोन चेंडू मैदानाच्या आतमध्ये ना बाकी. उडवण्याचा प्रयत्न होता बॉल, मात्र पंच तिथे दर्शवत असताना पुन्हा एकदा व्हाइट बॉलचा सिग्नल येतोय. अतिरिक्त स्वरूपाने इथे मात्र धावा जास्तीत जास्त बहाल केल्या जात आहेत आणि धावसंख्या धावपलकावरती जाऊन पोहोचले असताना 43-43 रन. बिग हिट चेंडूला मात्र पाठवलाय सरळ इन टू द स्टँड मध्ये, येतोय आणखीन एक दर्जेदार षटकार सहारण. एकोणपन्नास धाबा आपण धावपलकावरती पाहत आहेत. अगदी काय बॅटिंग मैदानाच्या आतमध्ये, खऱ्या अर्थानं मन जिंकण्याचे प्रयत्न आज सारंग वॉरियर्स या संघाच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला भेटत. बिग हिट करायचा होता चेंडू आणि बॅटचा स्पर्श मात्र व्यवस्थित होत नाही, तरी देखील एक धाव कंप्लीट होत असताना आपल्याला पाहायला भेटत. एक धाव येतो, एका धावेने धावसंख्या आपण पाहिली तर धावपलकावरती लगावली जात असताना पहिले तीन षटक संपलेत आणि तीन षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या बनवल्यात. सारंग वॉरियर्सने प्रथमतः बॅटिंग करत असताना 50 धावा आणि विजयाचं जर आपण पाहिलं तर 51 धावांचं टार्गेट ठेवलं गेलं या मॅचला जिंकण्यासाठी. एक छोटासा ब्रेक घेऊया, मी विनंती करेल क्षेत्ररक्षण करणारा संघ सारंग वॉरियर्स, आपण त्वरित फिल्डिंग सजवा आणि लगेचच मॅचला सुरुवात देखील आपण करणार. घेऊयात एक ब्रेक, ऐकूया एक सुमधुर संगीत डीजे. तर 51 चेस करायचे आहेत आणि 51 चेस करत असताना पाहूया कुठल्या प्रमाणे बॅटिंग होईल मैदानाच्या आतमध्ये. संपूर्ण डीबीएन टीमचा आम्ही मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो. नारंगी ग्रामस्थ क्रीडा मंडळाचा मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतोय. समोरच्या कक्षामध्ये आजच्या दिवसामध्ये आपण भरपूर आवाज ऐकले. एका बाजूला आपण पाहिलं तर तुकारामजी मांगेला सरांचा आवाज, त्यानंतर प्रशांत यादवडे सरांचा आवाज, कैलास पाटील सरांचा आवाज, जहीर सरांचा आवाज आपण ऐकला, त्यांचं देखील आम्ही सरस स्वागत आणि आभार व्यक्त करतोय. त्यानंतर डीजे ऑपरेटरच्या भूमिकेमध्ये आपण डीजे श्री, डीजे मयूर यांना ऐकलं, त्यांचं देखील आम्ही मनापासून आभार व्यक्त करत आहेत. स्कोरच्या माध्यमातून हितेश गावड बाबू असतील, त्यानंतर जय असतील, अनेक आपण पाहता तर स्कोरर देखील आमच्यापर्यंत होते. त्यांचा सर्वांचं तरंग एका बाजूला आपण पाहिलं होतं, आपलं देखील आम्ही मनापासून आभार व्यक्त करतोय. मॅचला सुरुवात होईल जिथे लक्ष आहे 51 आणि 51 चेस करत असताना पाहूया कुठल्या प्रमाणे धावसंख्या होईल. सही का धनंजय, यहाँ पर हमारे मित्र बांद्रा से परिसर से रविकांत, उनकी टीम को हमने देखा इस मैदान पर मैच को जीतते हुए नजर आए और संडे को इसी मैदान पर उनके कदमों का पूरी टीम इस लेकर आएंगे. मगर एक ओवर के लिए माइक्रोफोन पर रविकांत आएंगे आपके लिए. हेलो, हरुण और दिवेश की शानदार जोड़ी और बहुत ही शानदार टूर्नामेंट खेला जा रहा है इस विरार के नारंगी ग्राउंड पर. हमने सुबह से सारे मुकाबले देखे, बहुत ही अच्छी तरीके से खेले गए और ये गेंदबाज तैयार अपनी पहली गेंद लेकर राइट ओवर से बहुत ही अच्छा शो खेला है. कवर्स की दिशा में फील्डर वहां पे मौजूद और एक कैच हो सकता था लेकिन वहां पे कैच छूट गया, लेकिन अच्छा एफर्ट था. दो रन बाकर पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने. दो रन के साथ टीम की रन संख्या बढ़ती हुई दो रनों पर और रनों की 51 रनों का लक्ष्य रखा है. ओबीएस स्टार आपण पाहतात राईट ओव्हर द विकेटने पुढील बॉल, बॅटची टॉप एज विकेट किपरचा तिथे मात्र आपण पाहतात सहारा. विकेट किपरने चांगली झेल टिपलाय आणि धक्का क्रमांक सध्या मैदानाच्या बाहेर जात असताना पहिला ओबीएस स्टार संघाला लागतोय. पहिला विकेटचं बदन, पहिला खेळाडू बाद गॉन. ने बहुत ही शानदार गेंद डाली थी आउटसाइड एज लग के सीधा कीपर के हाथों में गई और एक अपनी टीम को सफलता दिलाते हुए. और जयेश तैयार अपनी अगली गेंद लेकर राइट आर्म ओवर से कदमों का थोड़ा सा इस्तेमाल कर रहे थे बल्लेबाज, लेकिन थोड़ी सी गेंद आउट स्विंग होकर सीधा कीपर के हाथों में गई डॉट बॉल के रूप में. तो बहुत ही शानदार शुरुआत मानी जाएगी
सारंग वॉरियर्स टीम की तरफ से। 51 रनों का लक्ष्य रखा है और इस ग्राउंड पर हमने देखा है 60-65 रन भी चेज होते हुए देखे और 20-26 रन भी कभी कभी चेज नहीं होता, तो यही क्रिकेट है दोस्तों। बहुत ही शानदार गेंदबाजी जयेश द्वारा। जयेश की अगली गेंद राइट आर्म ओवर से, जयेश तैयार, लो फिल्टर्स गेंद से खेल दिया लॉन्ग ऑफ की दिशा में, फिल्डर वहां पे मौजूद, बहुत ही शानदार फील्डिंग वहां पर, दूसरा रन लेने नहीं देंगे और बहुत ही शानदार थ्रो जयेश के हाथों में। अब तक जयेश ने 4 गेंदे की है, 4 गेंदों में सिर्फ 3 रन दिया है, तो एक शानदार शुरुआत मानी जाएगी सारंग वॉरियर्स की तरफ से। और ये बहुत ही शानदार टूर्नामेंट खेला जाता है, ऑल ओवर महाराष्ट्र से लोग ये टूर्नामेंट खेलने आते हैं, हर साल ये टूर्नामेंट इस ग्राउंड पर खेला जाता है। और ये जयेश की अगली गेंद राइट आर्म ओवर से, बहुत ही अच्छी गेंद इसे खेल दिया लेग की दिशा में, मिडिल विकेट पे फील्डर वहां पे मौजूद, एक रन भागकर पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने, जब तक गेंद उठाएंगे। बहुत ही अच्छा थ्रो वहां पर कीपर के हाथों में, लेकिन 2 रन भागकर पूरा कर लिया, इस 2 रन के साथ स्कोर बढ़कर हो चुका है 5 रनों पर, 5 गेंदे 5 रन, बहुत ही शानदार शुरुआत सारंग वॉरियर्स की तरफ से जयेश ने दी है। तो ये टूर्नामेंट खेलने के लिए महाराष्ट्र के कोने कोने से टीम आती है, बहुत ही शानदार तरीके से टूर्नामेंट खेला जाता है इस ग्राउंड पर, हमने हर साल देखा है और सभी टीमों को यहाँ चांस मिलता है, चाहे कैसी भी टीम हो, और एक वर्ल्ड कप की तरह खेला जाता है इस ग्राउंड पर ये टूर्नामेंट। अगली गेंद राइट आर्म ओवर से, बहुत ही शानदार गेंद इसे खेल दिया कवर्स की दिशा में, फील्डर वहां पर मौजूद, जब तक फील्ड करेंगे, एक रन भागकर पूरा किया और इस एक रन के साथ ओवर की समाप्ति, 6 रन 1 विकेट के साथ खत्म किया जयेश ने। और अब आगे का आंखों देखा हाल सुनाएंगे धनंजय जी। धावपळकावरती आपण पाहिले तर 6 धावा धावपळकावरती लगावल्या गेल्यात, लक्ष्य आहे मैदानाच्या आतमध्ये 51 चं टार्गेट ठेवलं गेलंय विजयासाठी। अजूनही आपण पाहिलं तर 12 चेंडू आणि 12 चेंडू मध्ये 45 धावा, 12 चेंडू आणि 12 चेंडू मध्ये 45 धावांची गरज, मोठे फटके मैदानाच्या आतमध्ये येणं आता गरजेचं आहे, कारण की ज्याप्रमाणे सिच्युएशन आहे ना जहीर सर, मोठ्या फटक्यांची अपेक्षा सध्या मैदानाच्या आतमध्ये ओव्हीएस स्टार संघाला आहे। पहिला बॉल बिगिट करण्याचा प्रयत्न, बॅट मध्ये बॉल व्यवस्थित कन्वर्ट होत नाहीत, क्षेत्ररक्षक आहेत तर डीप मध्ये फिल्डिंग चांगली करत असताना सध्या पाहायला भेटतात, एक धाव तिथे जरूर कंप्लीट होतोय, 11 चेंडू आणि 11 चेंडू मध्ये 44 धावांची गरज जर सर। सही कहा धनंजय, यहाँ पर पहली ओवर बेहतरीन अंदाज में आपने देखी, मगर इस मैदान पर अभी भी 2-3 बड़े शॉट आएगी, ये मैच बनाने का मौका मिल जाएगा, आपके पास क्षमता है, ताकत है, इरादे पक्ष करने चाहिए। शॉर्ट गिनती ऑन साइड खेलना चाहते थे, गेंद निकट देती हुई और गेंद विकेट कीपर प्रकाश के हाथों में जाकर चुकती हुई, टॉट गेंद, अच्छी गेंदबाजी का नजारा पेश होता हुआ। अभी भी बात की जाए तो इस मैदान पर 10 गेंदों का खेल आना बाकी, 44 रनों की दरकार रहेगी मुकाबला जीतने के लिए, यहाँ पर बड़े शॉट खेलने होंगे, अभी भी बड़े शॉट खेलेंगे तो ये मैच आपके पक्ष में जा सकता है। शॉर्ट गेंद दी ऑस्टम पर आया, गेंद को पुल कर दिया, गेंद ऑन साइड स्क्वायर क्षेत्र में ट्रैवल होती हुई, ऑन साइड के विकेट कीपर के खिलाड़ी आकर जुनेद उस गेंद को फील करते, एक रन आसानी से पूरा होता दोनों बल्लेबाजों के द्वारा, एक रन के साथ रन संख्या में बढ़ोतरी होती हुई, मगर धनंजय पाटिल सर जी आप थोड़ी सी दिक्कतें आती हुई बल्लेबाजों के लिए, अभी खेलते आते बाकी है 9 मैदान पर, बॉल पड़ियानंतर स्विंग होते कट होते आणि खासियत राहिले या गोलंदाजाची। पुण्याचा बिरगावण्याचा प्रयत्न, चेंडू आपण पाहता, क्षेत्ररक्षक डीप मध्ये येत आहेत, फिल्डिंग करत असताना पाहायला भेटतात, एक धाव तिथे मात्र जरूर कंप्लीट केली गेली आणि सध्या एकाच धावेवरती समाधान देखील व्यक्त करावं लागतंय, एक धाव येतो एका धावेने संघाची धावसंख्या आपण पाहिली, धावफलकावरती आहेत 9 धावा, तो शानदार सुरुवात मानी जाएगी गेंदबाजों की तरफ से, बहुत ही शानदार गेंदबाज है, बाएं हाथ के गेंदबाज है, हल्की सी लेग कट कर रहे हैं, बैट्समैन को थोड़ी सी गियर बदलनी होगी अगर इस मैच को जीतना है तो। और ये लेफ्ट आर्म ओवर से अगली गेंद शॉर्ट ऑफ गोल्डन गेंद से कट कर दिया, पॉइंट की दिशा में, फील्डर वहां पे मौजूद है, जब तक फील्ड करेंगे, एक रन भागकर पूरा किया और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़कर हो चुका है 10 रनों पर, तो अब जीत के लिए 41 रन बनाने होंगे ओवीएस टीम को इस मैच को जीतने के लिए, और ओवीएस टीम ये पहला साल खेल रही है इस ग्राउंड पर, हमें अभी पता चला है, तो बेस्ट ऑफ लक धनंजय जी। येणारे 7 बॉल मध्ये 41 धावा, विरखावण्याचा प्रयत्न अगदी वेगाने आपण पाहतायत, वन्नाट वेग सध्या गोलंदाजाच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला भेटला, षटक क्रमांक मैदानाच्या आतमध्ये 2 देखील संपला गेलाय, आता 6 बॉल आहेत आणि 6 बॉल मध्ये विजयासाठी आपण पाहिलं तर अजूनही 41 धावांचं लक्ष मैदानाच्या आतमध्ये ठेवलं गेलंय। घेऊ एक छोटासा ब्रेक, ऐकू एक सुमधुर संगीत। का समय है हमारे तीनों कमेंटेटर तुकाराम मंगला हो, कैलाश पाटिल सर जी हो, पर प्रशांत सर जी पूरे ग्राउंड का उनावड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं, और शॉर्ट गेंद स्ट्रेट ड्राइव खेला बॉलर के सर के ऊपर से गेंद लॉन्ग ऑन रीजन पर आती हुई, जहां गेंद को क्लिक कर पाते, एक रन आसानी से पूरा करते हुए, एक रन के साथ रन संख्या में बढ़ोतरी, रन संख्या श्रीकांत गेंदबाजी कर रहे हैं, अच्छी गेंदबाज, लाजवाब गेंदबाजी और बल्लेबाजी का नजारा पेश करते हैं।
श्रीकांत को बुलाया गेंदबाजी करने के लिए, और श्रीकांत का बताते चलू शक्ति चचक में ओम साहेब एंटर की टीम से खेल के उन्होंने बहुत ही शानदार गेंदबाजी की थी, अपने शानदार एक्शन का मुजाहरा किया था वहां पर। अगली गेंद लोअर फुलटॉस गेंदी से खेल दिया है, लेग साइड की दिशा में फील्डर वहां पे मौजूद और आउट होंगे। बहुत ही शानदार मिश्रण करते अपनी गेंदबाजी श्रीकांत जी। नक्कीच विकेटचं पतन होते, खेळाडू बाद होत असताना आपल्याला पाहायला भेटतात। येणारी चार चेंडू आणि चार चेंडू मध्ये आता 40 धावांची गरज आहे। जैन सर हे आव्हान आहे ना, ते आव्हान मात्र एक मोठं आव्हान होतं, कारण ज्याप्रमाणे टार्गेट करण्यासाठी 51 चं आणि संध्याकाळच्या सत्रामध्ये आपण या मैदानावरती भरपूर वेळा पाहिलंय की 51 धावा चेस होताना आपण कमीत वेळा पाहिलंय। सही का धन्य जी, शाम का समय है, थोड़ी सी हवा रुकती हुई नजर आई और एक लाजवाब मुकाबला, मगर आपने इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया, आपका दिल के गहरे से तमाम टीमों का और तमाम दर्शकों का, हमारे कमेटी मेहमान का हम दिल के गहरे से इस्तकबाल करना चाहेंगे। शॉर्ट गेंदी बैकफुट पर जाकर कट करना चाहते थे, बैट और गेंद का कोई संबंध नहीं था, सीधी विकेट कीपर प्रकाश के हाथों में जाकर चुकती हुई टॉट गेंद। शिकान अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए और स्कोर अब बहुत ही यहाँ पर देखने को मिला। क्या बल्लेबाजी हुई जुनेद द्वारा, प्रकाश द्वारा, उसके बाद तानाजी के द्वारा, बेहतरीन बल्लेबाजी। तानाजी 20 रन बनाकर पुण्य का रास्ता नाप चुके थे। लेग स्टंप के बाहर गेंद, व्हाइट का इशारा अंपायर द्वारा आता हुआ, एक्स्ट्रा रन के साथ रन संख्या में बढ़ोतरी होती भी, अब तो चारा बाकी रह चुकी है इस मैच की। मगर धनंजय सर जी, आज के दिन की बात की जाए तो बेहतरीन मुकाबले हुए, अच्छे रन संख्या बनी इस मैदान पर, तीसरा दिन था, इस मैदान पर थोड़ी देर के बाद खत्म किया जाएगा। बेहतरीन गेंद टप्पा गिरने के बाद थोड़ी सी रफ्तार निकलती हुई विकेट कीपर के दस्तान में, टॉट गेंद, लाजवाब गेंदबाजी का नजारा शिकान द्वारा होता हुआ। धनंजय क्या कहेंगे, आज का दिन सबके लिए अच्छा रहा, बैटिंग और गेंदबाजियों के लिए भी और हमारे कमेंटेटर के लिए, तमाम दर्शकों के लिए, हमारे कमेटी के लिए। नक्कीच आजचा दिवस देखील आपण पाहता, ज्याप्रमाणे आजचा दिवस मात्र या मैदानावरती आपल्याला पाहायला भेटेल। येणारी चेंडू आपण पाहतात, हा चेंडू आपण पाहू शकतात अगदी तिथे, मात्र चांगली गोलंदाजी आपल्याला पाहायला भेटतात। शेवटचा चेंडू मैदानाच्या आतमध्ये बाकी आहे, आपण सर्व समालोचक प्रशांत आदवडे सर असतील, तुकाराम सरांचा आवाज आपण ऐकला, कैलास पाटील सरांचा आपण आवाज ऐकला, त्यानंतर जहीर सरांचा आपण आवाज ऐकला या मैदानावरती। वेरेशन गतीमध्ये परिवर्तन आपल्याला पाहायला भेटलं आणि या मॅचला जिंकलंय, कॉंग्रॅच्युलेशन सारंग वॉरियर्स, धीरज झा अँड टीम तुमचं अभिनंदन असेल, पुढील मॅचसाठी तुम्हाला खूप साऱ्या शुभेच्छा असतील अँड हार्ड लक बाय ओबीएस स्टार तुम्हाला देखील खूप साऱ्या शुभेच्छा देतोय संपूर्ण आणि पाटील परिवाराच्या तर्फे वतीनं आपल्याला मनापासून आम्ही शुभेच्छा देतोय। तर आजचा दिवस आपण पाहिला, या स्पर्धेचा आपल्याला पाहायला भेटला, ज्याप्रमाणे आजचं सत्र राहिलं संपूर्ण तिसरा दिवस आपण या स्पर्धेचा पाहिला आणि या तिसऱ्या दिवसाचा खेळ इथे समाप्त झालाय। सर्व समालोचकांच्या माध्यमातून मी आपला पुन्हा एकदा मनापासून आभार व्यक्त करतोय। डीबीएनची संपूर्ण टीम असेल, डीजे ऑपरेटर श्री, डीजे ऑपरेटर मयूर असेल, त्यांचं देखील आम्ही मनापासून आभार व्यक्त करतोय। संपूर्ण नारंगी ग्रामस्थ क्रीडा मंडळाची टीम, म्हणजे ज्यांनी अथक मेहनत घेतली ही स्पर्धा आतापर्यंत आपण पाहतात मैदानाच्या आतमध्ये घेऊन येण्यासाठी, पाटील परिवारातर्फे आपण पाहतात तर स्पॉन्सर केलेली ही स्पर्धा, कैलासवासी किसन बाबूराव पाटील व कैलासवासी गणपत बाबूराव पाटील यांच्या स्मरणार्थ ही स्पर्धा आपण आज खऱ्या अर्थानं पाहिली। सर्व समालोचक प्रशांत आदवडे सर, तुकाराम मांगेला सर, कैलास पाटील सर, त्यानंतर जहीर सर आणि मी धनंजय पाटील डीबीएनच्या वतीनं पुन्हा एकदा सर्वांचं मनापासून आभार व्यक्त करतोय। आजचा दिवस संपला असं जाहीर करूयात, उद्या आपण भेटूयात बरोबर अगदी 9 वाजता।